शमसुद्दीन केस में नजरिया जरूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज ये जजेस, आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हो। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, ILF और तमाम दोस्तों को मीडिया की तरफ तौसत से बहुत मुबारक पेश करता हूँ। और आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसी ने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी हिम्मत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े, हम इसके मुजम्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नजरिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भाग दौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएँ और ये जो और सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए। और इसी तरह KP के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है, जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरमन माहौल फ्राहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आ जाया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की आवाम है, कोई वजीर आजम, कोई हकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। अच्छा, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत अगर एमरजेंसी वेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं, वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है। और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आइनी इकदाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपनी आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ।